इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किसी भी प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट से रिटर्न कैसे कर सकते हैं सॉलिड रीज़न के साथ, जो यहाँ पर रियलिस्टिक हो बिल्कुल। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, यहाँ पर एक मैंने पेंट मंगाई है, इसको हम खोल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर इसकी रिटर्न पॉलिसी है, यहाँ पर 9 अक्टूबर तक की, और इसके 9 मोर आप देख लीजिए कि क्या क्या इसने टर्म एंड कंडीशंस हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इसकी एक्स्ट्रा तो कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, इसकी नॉर्मल जो है वही है। तो अब हमें इसे रिटर्न भेजना है, तो सॉलिड रीज़न के साथ ही करिएगा, ऐसा नहीं कि आप बिना मतलब कि कैंसिल करे जाए। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जो सेलर होता है उसके मन से सोचिए कि प्रोडक्ट जा रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, बाद में आ रहे हैं। और बहुत लोग तो यहाँ पर बहुत बहुत बुरा काम भी करते हैं कि अलग अलग थलग से रख देते हैं और वो चला जाता है। तो अब यहाँ पर करें क्या, ठीक है, करना ये है कि आपको रिटर्न पर जाना है। रिटर्न पर जैसे ही जाएंगे आप यहाँ पर, तो फिलहाल ये जो प्रोडक्ट है हमारा नॉट फिट आ रहा है, हमारे फिट नहीं आ रहा। यहाँ पर आपको नीचे लिखा आएगा नीड ए लार्जर, एंड यहाँ पर दोबारा सेलेक्ट करते हैं और डू नॉट लाइक दी फिट और नीड अ स्मॉलर साइज। तो डू नॉट लाइक फिट और यहाँ पर आपको कुछ भी लिख देना है, ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा हमें बैंक का, ठीक है। तो आपको जिस भी बैंक में लेना हो अमाउंट, उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। एक बैंक अकाउंट है जहाँ से यहाँ पर आपको थोड़ा टैब लग सकता है, ठीक है, ये भी हमारे पास है। गिफ्ट कार्ड वगैरह आप ले सकते हैं फ्यूचर ऑर्डर्स के लिए, बट ये जो है आपका जो है वैलिड रहता है 12 महीनों तक। और बैंक भी है UPI, यहाँ पर अपनी UPI ID डालकर आप जो है रिकवर कर सकते हैं पैसे। तो उसके बाद हम यहाँ पर अपना जो है कंटिन्यू करते हैं UPI डालकर, उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देना होगा और ये जो है ऑटोमेटिकली लग जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका सिंपल सा। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।